गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास का बायो पढ़ने जा रहे हैं। इसमें रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन में पिछले क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े हुए थे, आज हम लोग इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आगे एसेक्स रिप्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय में आपको बताए हुए थे कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। जब इंडिविजुअल्स की संख्या में बढ़ोतरी होती है और सेकेंड सेम काइंड के ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो जाए, तो इस प्रकार का जो प्रोसेस होता है उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। एसेक्सुअल का मतलब होता है विदाउट फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई। तो जब दो डिफरेंट न्यूक्लियाई के बिना फ्यूजन के नया इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन हो जाए, सेम काइंड के ऑफ स्प्रिंग्स का प्रोडक्शन हो जाए, संख्या में बढ़ोतरी हो जाए, तो इस प्रकार का रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। पिछले क्लास में हम लोग इसके टाइप्स को देख चुके थे, इसके डिफिनेशन को देख चुके थे। अब देखिए, हम लोग इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मुख्य तौर पर हम लोग को पढ़ना है वो है टाइप्स में फ्यूजन। इस फ्यूजन में भी हम लोग पढ़ेंगे बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन। ये बाइनरी फ्यूजन भी कई प्रकार का होता है। इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन होता है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन होता है, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होता है। इसी तरह से मल्टीपल फ्यूजन हम लोग देखेंगे, जैसे अमीबा में, प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फ्यूजन इन अमीबा, मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम। इसी फ्यूजन से मिलता जुलता एक टर्म आता है एस्ट्रोबिलेशन। वास्तव में एस्ट्रोबिलेशन ये मल्टीपल ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जो ओरेलिया में या नेक ऑफ टीनिया में होता है। ओरेलिया एक प्रकार का सिलेंट्रोइड से, या नेक ऑफ टीनिया इसमें होता है। देखेंगे इसमें एस्ट्रोबिलेशन में क्या प्रोसेस होता है। इस फ्यूजन के बाद फिर हम लोग देखेंगे बडिंग, जो लेटरल आउटग्रोथ निकल जाता है कुछ ऑर्गेनम्स से, या बडिंग बडिंग कहा जाता है। इसमें भी हम लोग देखेंगे, या बडिंग भी दो प्रकार का, एक एक्सो जीनस बडिंग और दूसरा एंडो जीनस बडिंग। एक्सो जीनस बडिंग को सिंपल हम लोग बडिंग ही समझते हैं। जो एंडो जीनस बडिंग होता है इसको जिम्यूल फॉर्मेशन भी कहते हैं। तो इस प्रोसेस को देखेंगे। इसके बाद रीजनरेशन, रीजनरेशन भी दो प्रकार का होता है, एक सिंपल रीजनरेशन और एक रिपरेटिव और दूसरा कंप्लीट रीजनरेशन। रीजनरेशन के बाद हम लोग देखेंगे फ्रैगमेंटेशन, हम लोग देखेंगे एस्पोलेशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन। तो ये डिफरेंट टाइप्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विषय हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग शुरू करते हैं फ्यूजन। देखिए हम लोग फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब होता है टूटना। अगर कोई एक सेल या कोई एक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये टूटता है तो पहले इसका न्यूक्लियस दो भागों में बढ़ जाता है, इसके बाद फिर ये दो भागों में बढ़ जाता है। तो
जब न्यूक्लियस बढ़ता है तो इस प्रोसेस को कहते हैं कार्योकाइनेसिस, और जब इसका साइटोप्लाज्म बढ़ता है तो इसको कहते हैं साइटोकाइनेसिस। कार्योकाइनेसिस माइटोसिस और मियोसिस के केस में कई फेजेस में बटे हुए होते हैं, जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये डिफरेंट टाइप्स के स्टेजेस होते हैं जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करता है और फाइनली एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में बढ़ जाता है। तो हम लोग यहां पे अभी फिलहाल सिंपल टाइप का ये सेल डिवीजन देख रहे हैं। इस प्रोसेस में कोई एक ऑर्गेनिज्म बट के दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाता है तो यह फ्यूजन कहलाता है, और इस फ्यूजन को फिर हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक कहा जाता है बाइनरी फ्यूजन और दूसरा कहा जाता है मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में जब एक ऑर्गेनिज्म या एक सेल टू ऑर्गेनिज्म या सेल में बट जाए विदाउट फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई, यानी कि एक प्रकार का एसेक्सुअल प्रसन है, तो इस प्रकार के डिवीजन को बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। और जब कोई ऑर्गेनिज्म एक ऑर्गेनिज्म या एक सेल मोर देन टू ऑर्गेनिज्म या सेल्स में बट जाए तो इस प्रकार के डिवीजन को मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। तो ये बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन हो गया। अब देखें बाइनरी फ्यूजन के भी कई टाइप्स होते हैं। एक बाइनरी फ्यूजन जिसको हम लोग इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। इस प्रोसेस में कोई एक ऑर्गेनिज्म इरेगुलर ढंग से डिवाइड करता है और डिवाइड करके ये दो भागों में बट जाता है, तो इस प्रकार के फ्यूजन को इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। यहां पे कोई पैटर्न नहीं होता है कि कहां से डिवाइड करेगा, कैसे डिवाइड करेगा। सेकंड जो फॉर्म होता है वह लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन होता है। इस टाइप के फ्यूजन में कोई ऑर्गेनिज्म लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर जाए और ये फाइनली इस प्रकार से दो भागों में बट जाए तो ये फ्यूजन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है। थर्ड फेज हम लोग देखें, थर्ड टाइप का ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। इस ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन में ट्रांसवर्स फॉर्म में कोई ऑर्गेनिज्म डिवाइड करे तो इस प्रकार से एक ऑर्गेनिज्म दो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए तो यह प्रोसेस ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है। तो इरेगुलर बाइनरी फ्यूजन काफी कॉमन है कई ऑर्गेनिज्म में। आप यहां पे अमीबा का एक एग्जांपल ले सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन भी कई ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। आप यहां पे युगलीना लीना का एक एग्जांपल ले सकते हैं। यहां पे बाइनरी फ्यूजन कई ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, इसमें आप पारामीशियम का एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये बाइनरी फ्यूजन की बात हो गई।
अब इसके बाद हम लोग आते हैं मल्टीपल फ्यूजन पे। मल्टीपल फ्यूजन ये एक प्रकार का फ्यूजन ही है जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म या सेल डिवाइड करके मोर देन टू सेल्स या ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर ले तो इस प्रकार के डिवीजन को हम लोग मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे प्लाज्मोडियम अमीबा ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं। अमीबा में यहां पे एक न्यूक्लियस, ये यहां पे कई न्यूक्लियाई में डिवाइड किया, इसके चारों तरफ इस प्रकार से प्रोटोप्लास्ट फॉर्म करके और यहां पे डिफरेंट टाइप्स के अमीबास फॉर्म कर देते हैं। प्लाज्मोडियम में भी यह एक सेल डिवाइड करके कई न्यूक्लियाई फॉर्म करता है और फिर फाइनली यहां पे कई सेल्स ये फॉर्म कर देता है। तो ये प्लाज्मोडियम जो कि कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया का मलेरिया जो डिजीज होता है उसमें एक ह्यूमन में होस्ट पाया जाता है, एक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में पाया जाता है। तो ये प्लाज्मोडियम इस प्रकार से डिवाइड करता है हमारे आरबीसी में और मल्टीपल सेल्स का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स के फ्यूजन है। अगले वीडियो में हम लोग बडिंग के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।